ऐसा ऑर्डर निकला है पूरे टूरिज्म के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं गुलबर्ग से रिलेटेड उनके लिए निकला है कि ऐसा ऑर्डर है जो बिल्कुल अनसाउंड माइंड से निकाला है। इस ऑर्डर में लिखा है कि आज के बाद सेकंड फेज के लिए टूरिस्ट गाइड से लेकर अदर सर्विस प्रोवाइडर्स तक अब सेकंड फेज की एट पार विद अदर पैसेंजर्स टिकट लेकर जाएंगे। लोग सड़कों पर बैठे हैं बिना काम के, और हैरानी की बात मेरे लिए ये होगी कि मैं सोच रहा हूँ खुद भी कि इनके घर के लोग किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं, इनके बच्चों की फीस कौन कैसे दी जाए। जब मिस हैपनिंग हो जाती है तो यही लोग होते हैं जो फ्रंट रनर होते हैं रेस्क्यू टीम में, और कई सौ लोगों की जान आज तक इन्होंने उस एवलेंचे से बचाई है। ये अपने आप में हैरानी करने वाली बात है कि एक आदमी को जो नोटिफाइड किया है गवर्नमेंट ने रेट, और उसके बाद उससे सेकंड फेज की टिकट के लिए 1010 रुपये लिए जा रहे हैं, तो आदमी कमाएगा क्या और घर क्या लेके जाएगा। कमिश्नर सेक्रेटरी साहब डायरेक्टली इंटरवीन करें कि ये ऑर्डर किस तरीके से निकाला गया, कौन सी रीजनेबल एस्को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को सामने रख के निकाला गया। इन जो एसोसिएशन है इलेक्टेड एसोसिएशन है रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, और इनकी इलेक्शन जो होती है वो गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग में होती है, इनको ऑन बोर्ड लिए बिना ये ऐसा ऑर्डर जो बिल्कुल अनसाउंड माइंड से निकाला गया कैसे हो गया। चाहूँगा बड़ा अनफॉर्चुनेट है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ऐसा ऑर्डर निकला है इसमें विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड एक ऐसा ऑर्डर निकला है पूरे टूरिज्म के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं गुलबर्ग से रिलेटेड उनके लिए निकला है कि ऐसा ऑर्डर है जो बिल्कुल अनसाउंड माइंड से निकाला गया है। मैं आपको बताऊं अगर उसकी रीजनेबलनेस के अनरीजनेबलनेस के बारे में बताऊं, खाली साहब एक ऑर्डर निकला है जिसमें बताया गया है कि आज के बाद इस विद इमीडिएट इफेक्ट इस ऑर्डर में लिखा है कि आज के बाद सेकेंड फेज के लिए टूरिस्ट गाइड से लेकर अदर सर्विस प्रोवाइडर्स तक अब सेकंड फेज की एट पार विद अदर पैसेंजर्स टिकट लेकर जाएंगे। मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कहाँ हैरानी करने वाला है ये। आप देखिए जब से गुलबर्ग गंडोला ऑपरेशनलाइज हुआ है, जब उसका सेकंड फेज ऑपरेशनलाइज हुआ है, टूरिस्ट गाइड हमेशा फ्री टूरिस्ट के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाते थे। और आज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा डिटेल में कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड है टूरिस्ट गाइड की जो पर डे की फी है वो है 990, और गुलमर्ग गंडोला के सेकंड फेज की फी है 1010 रुपये। बड़ा आप खुद ही सोचिए, अपने आप में हैरानी करने वाली बात है कि एक आदमी को जो नोटिफाइड किया है गवर्नमेंट ने रेट, और उसके बाद उससे सेकंड फेज की टिकट के लिए 1010 रुपये लिए जा रहे हैं, तो आदमी कमाएगा क्या और घर क्या लेके जाएगा। उसी तरीके से बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी मंथली और फोर्टनाइट बेसिस पे वहाँ पे करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मैनेजमेंट गुलमर्ग गंडोला की हर किसी इवेंट में नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, स्पोर्ट्स इवेंट है जो कोई और किसी तरीके का इवेंट हो पब्लिक काज का, तो हमेशा इन जो एसोसिएशन हैं इलेक्टेड एसोसिएशन हैं रजिस्टर्ड एसोसिएशन हैं, और इनकी इलेक्शन जो होती है वो गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग में होती है, इनको ऑन बोर्ड लिए बिना ये ऐसा ऑर्डर जो बिल्कुल अनसाउंड माइंड से निकाला गया कैसे हो गया। हर बात में अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं या इनको ऑन बोर्ड लेते हैं, जब इनके रिलेटेड काम था कोई, जब इनके रिलेटेड कोई डिसीजन था तो इनको पूछा भी नहीं गया। जब मिस हैपनिंग होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा खालिद साहब, इसमें जब मिस हैपनिंग हो जाती है तो यही लोग होते हैं जो फ्रंट रनर होते हैं रेस्क्यू टीम में, और कई सौ लोगों की जान आज तक इन्होंने उस एवलेंचे से बचाई है। कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए, मैं कहता हूँ छोटी सी छोटी चोरी की भी वारदात होती है, ये अपने ऑनेस्ट मैनर में उस चीज को ढूंढ के निकाल के देते हैं। ये है गुलमर्ग गंडोला और ये वहाँ के स्टेक होल्डर्स का। मगर आज बड़ा अनफॉर्चुनेट है पिछले सैटरडे से ये लोग सड़कों पर बैठे हैं बिना काम के, और हैरानी की बात मेरे लिए ये होगी कि मैं सोच रहा हूँ खुद भी कि इनके घर के लोग किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं, इनके बच्चों की फीस कौन कैसे दी जाएगी, क्यों और ना ही इनको अभी तक कोई सुन रहा है। मेरी आपके माध्यम से यही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब डायरेक्टली इंटरवीन करें, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब डायरेक्टली इंटरवीन करें कि ये ऑर्डर किस तरीके से निकाला गया, कौन सी रीजनेबल एस्को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को सामने रख कर निकाला गया है, और वहाँ के लोगों के लिए कह, जिसकी जहाँ गंडोला इस्टेब्लिश है वहाँ के आसपास के लोगों के लिए ऐसा कह, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसका मैं आप ही के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद इंटरवीन करें और इस मसले का जल्दी से जल्दी हल करें।